Japan, you don't even need to lock your door. You know, in the night, girls can walk around. But if that's, the world is not like this. This is like, this is kind of a, actual in India mein bolte na Ram Raj. It's very close to something like Ram Raj. Because the new generation, they want to go to India. Because that's what they think is the future. So ye sab cheez bahut positive hai. Ek to image bahut acha ho gaya. Kyun aapko matlab kuch bada karna hai kya acting mein? Mere ko kuch nahi karna hai. Main to waise hi actor ban gaya. Zindagi mein kisi aur country ka offer aata to main India se bahar nikla. I had this image ki Japan is a country, agar main Akihabara mein jaunga to street pe robot chal rahe honge. Main roz sham ko 7 baje gaya hua. हमने मम्मी पापा या जो भी थे उन्होंने बोला कि नहीं एक बार तो तुम आ जाओ. एंड व्हेन आई वाज लीविंग माय हाउस आई एक्चुअली सेड बाय बाय टू माय हाउस बिकॉज़ आई सेड आई डोंट नो व्हेदर आई सी यू सी यू अगेन. वो एरिया में भी गए जहाँ पे वो पूरा एकदम तबाही मची हुई थी. तो वो सब देख के लगा कि कंट्री में कुछ तो है, कि कितने ग्रेटफुल थे वो लोग. जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने घर में कुछ रोटियाँ ही तो बनाई, फिर जाके खाने ही थे प्लान किया. हमारा पूरा घर चला गया, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ पता नहीं, आगे क्या होगा ये नहीं पता, कहाँ रहोगे ये नहीं पता. फिर भी उनका जो एटिकेट्स है, जो कर्सी है, सेम जो को चेंज ही नहीं. हम लोग सबसे पहले पैनिक होकर पहले सोचेंगे भाई अपनी जिंदगी बचाओ, तुम तो बाद में खाना खाना पहले मेरे को दे दो. दे हैव वेरी फ्यू लीडर्स एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोअर. हमारे यहाँ में क्या है कि एवरीबडी इज अ लीडर. माय वाइफ हैड पुट द पर्स ऑन द ट्रॉली पर रखा था, गाड़ी में बैठ गई मैं, पर्स उस पर छोड़ के ट्रॉली. सो देन आई कॉल्ड देम अप इन द नाइट एंड दे सेड that they had actually found that purse. उसमें मेरे को वो भी बनाया था, ओकामा बन के, मैं लड़की बन के भी आया उसमें. वाह. मेरी बीवी ने बोला अगर दोबारा ऐसा किया ना तुमको मैं छोड़ के चली जाऊंगी. अब क्या होता है ना, बंगाली बोलो तो ना उसमें जापानी आ जाता है. यहाँ पे एक जाके मेरा लैंग्वेज का बैरियर मेरे को फील हुआ. वाइफ और मेरी जो शादी की कहानी है ना बहुत इंटरेस्टिंग, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो मेरी वाइफ मेरी पिटाई कर देगी. एंड माय फादर आस्क्ड मी डू यू रियली लाइक द गर्ल, आई सेड यस व्हाई नॉट, या ऑब्वियसली. सो ही सेड देन अरेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ, लव कर लो. आई स्पेंड माई एंटायर सैलरी ऑफ अ ईयर ऑन फोन कॉल. फिर अपने देश जाना एट द एज ऑफ 65, 70 और मे बी 75. आई वॉन्ट टू सिट देयर एंड हैव अ बियर. वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ भारत इन जापान, वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशन स्टोरीज. एंड सेकेंड एपिसोड में आप देखेंगे मिस्टर कपिल मित्तल, उनके कहानी, उनके घर की कहानी, उनकी शादी की कहानी, बहुत सारे ट्विस्ट, बहुत सारे ऐसे घटनाएं जो आप नहीं जानते हैं, शायद करीबी भी नहीं जानते हैं, और आप ये एपिसोड के द्वारा उसको जान पाएंगे. सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे हजारों एपिसोड हम लाने वाले हैं. आपकी कहानी, मेरी कहानी, हमारी कहानी, हमारी खुशियों की कहानी, दुख की कहानी, और बहुत सारे भारत से जुड़े हुए कहानी. तो वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड. नमस्ते कोनिचुआ, कैसे हैं आप लोग? और आपने हमारा पहला एपिसोड देखा है ना, भारत इन जापान. भारत इन जापान ये जो सीरीज है ये आपको हंसाएगा, रुलाएगा और इतना इमोशनल कर देगा कि हम सबको लगेगा कि यस, हमारे जो दिल है ना अंदर, देश के लिए धड़कते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी देश में रहे, उस भारत माता के लिए धड़कते हैं. तो इस कहानी की शुरुआत होते हैं चोफू से. हाँ, आपने सही सुना, इस बार कोफू नहीं. जो हमारा पहला एपिसोड था ना, वो शूट करने के लिए मैं गई थी कोफू, और इस बार मैं कोफू नहीं, मैं चोफू जा रही हूँ, और मिस्टर कपिल मित्तल जी को शूट करने के लिए. मिस्टर कपिल मित्तल जी एक सीए है और अभी ज्वेलरी बिजनेस में है, बहुत सक्सेसफुल है. वही नहीं, वो जेम्स और ज्वेलरी चैनल में भी आते हैं, ऑनलाइन वो सेल करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं और किसी और चैनल के लिए भी करते हैं. वही नहीं, वो जापान के नेशनल चैनल में भी आ चुके हैं, वेरी पॉपुलर और फेमस शो में 3 बार आ चुके हैं. तो ये एपिसोड देखिए और जानिए कि कहाँ पे वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी शादी कैसे हुई, उनके बच्चे कहाँ पे हैं और वो कौन से चैनल में काम करते हैं. कपिल जी मुझे लेने के लिए स्टेशन आए
और कपिल जी का पहला जो सेंटेंस था वो जैपनीज में था, कपिल दोमो सिवस, इसका मतलब है मैं कपिल हूँ। और मुझे लगा है वाह, कपिल जी तो पूरी तरह जैपनीज हो चुके हैं। वेरी गुड, कपिल दोमो सिवस। फिर हम उनके गाड़ी में उनके घर की तरफ रवाना हुए और गाड़ी के अंदर हम बहुत सारे बातें करने लगे। उनमें से ये है कि अभी बहुत सारे जो नए भारतीय, जो यंग भारतीय आ रहे हैं, वो गाड़ी में लाउड म्यूज़िक बजाते हैं जो कि जापान के रूल के अगेंस्ट है, जापानीज़ लोग उसे पसंद नहीं करते। और उन्होंने फिर अपने परिवार के बारे में बात करना शुरू किया कि उनकी बेटी US में पढ़ रही है और क्या पढ़ रही है। फिर बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मजाक से उन्होंने ये बोलना शुरू किया। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने 3 साल के लिए अपने परिवार को भारत में भेज दिया था क्योंकि उनको लगता है कि ये पूरी तरह राम राज्य है, यहाँ पे इनके बेटियाँ पूरी तरह रहेंगे तो दुनियादारी स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बनेंगे, तो इसलिए दुनिया दिखाने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट बनाने के लिए उन्होंने अपने फैमिली को, परिवार को 3 साल के लिए भारत भेज दिए थे। So the thing is, we are basically in this country and we are in a Japanese environment. So what happens is, we have to mold ourselves according to their customs. You know, if they accept what we try to tell them, then obviously we can tell them what our customs is all about and they can change. But if they don't ask for it or they don't abide by it, then we have to basically understand what they are doing and abide by it and stay our, you know, यहाँ पे उसी तरह से जिंदगी को व्यतीत करना होगा। क्यों, ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है क्या? बहुत होता है, जैसे देखो ना अभी यंग क्राउड आता है तो इंडिया में, जैसे हम लोग, जैसे हम लोग कोफू में रहते हैं, यामानाशी में रहते हैं, तो हमारे पास क्या है कि वहाँ पे गाड़ी का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कार, तो वो लाउड म्यूजिक चला के, शीशा खोल के, वो सब चलता है, थोड़े कुछ लोग करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता हम लोग को, इसलिए हम लोग क्या करते हैं फिर जिस कंपनी में वो लोग काम कर रहे हैं तो दिखी रुदा के उनके साथों को जाके बोलो यार थोड़ा सा इनको समझाओ, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कोफू में। सो अब लेकिन आप रोक नहीं सकते उनको, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को लगता है कि या तो एक कोई गाइडलाइन बुक टाइप हो ना, जैसे हमारी एम्बेसी से हो या कहीं से भी हो, कि ये एक बेसिक जापानीज सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, तो ट्राई टू अवॉइड बाय इट सो दैट यू नो वी हैव अ गुड रेपुटेशन इन जापान, सो वी शुड नॉट स्पॉइल इट बिकॉज वी आर नॉट इंडिविजुअल, वी आर इंडियंस। अगर मैं गलत काम करूंगा ना तो कोई ये नहीं बोलेगा इस आदमी ने गलत काम किया, वो बोलेगा एक इंडियन ने गलत काम किया। ये बहुत बड़ी चीज है जो हम लोग को 100% समझना चाहिए और रेस्पॉन्सिबल होके इसको अवॉइड करना चाहिए। टोक्यो जैसी जगह जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं? वो भी इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, बेसिकली क्या होता है जब आप वहाँ पे वीजा मिलता है या कुछ भी मिलता है तो एम्बेसी के से जो गाइडलाइंस आती है, तो एक उस टाइप का कोई गाइडलाइंस हो, और आजकल तो ग्रुप्स है, आजकल जो भी जापान में आते हैं वो लोग क्या इंडियंस इन जापान का ग्रुप नहीं, इतने सारे फेसबुक में जो ग्रुप्स है उसमें कुछ डाल के रखो कि पीपल आर कमिंग टू जापान, दीज आर द बेसिक थिंग्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट समथिंग यू आर ट्राइंग टू यू नो डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दीज आर वेरी बेसिक रूल्स, अगर ये हम सीखेंगे ना तो जापान क्या हमारी खुद अपनी कंट्री में भी हमारा फायदा होगा, तो इसलिए ये बेसिक जो रूल्स है वो उनको किसी तरह उनके ऊपर पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बोलने लग गए तो बहुत सारे लोगों की आंखों में खराब हो जाते हैं, इसलिए बता नहीं सकते, इसलिए तो बोल रहे कोई डॉक्यूमेंट टाइप हो ना जो उनको दे दिया जाए कि ये एक बेसिक रूल्स है, वेन यू कम टू जापान मेक श्योर दैट यू अबाइड बाई दीज, इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग बट यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट। उसमें से 5 में से 2 आदमियों ने, एक आदमी ने भी मान लिया तो कम से कम हमारी इमेज तो बेटर रहेगी ना। लाइक ली, एलेक बॉल्डवेन, रीस विदरस्पून का बेटा भी अभी उसमें पढ़ रहा है, ऑल दीज पीपल आर स्टडिंग देयर, दे आर ऑल फ्रॉम दैट, इवन शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान वॉज देयर, सो इट्स बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ऑल दीज थिंग, कैमरा एंड परफॉर्मेंस स्टडीज। क्यों आपको मतलब कुछ बड़ा करना है क्या एक्टिंग में? मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं तो वैसे ही एक्टर बन गया हूँ जिंदगी मेरी, इसलिए तो पूछ रही हूँ मैं। हाँ, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना, मेरी बेटी भी इसलिए एक्टिंग में नहीं जा रही है, शी इज ट्राइंग टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज डूइंग न्यूरोसाइंस, साइकेट्री, एंड आई नो व्हाट शी इज डूइंग, एंड आई होप समथिंग कम्स गुड आउट ऑफ हर, शी इज दैट आई एम कॉन्फिडेंट। व्हाई डिड यू सेंड योर फैमिली फॉर 3 years टू इंडिया? आई सेंट माय सेल्फ बिकॉज यू नो वी आर इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट हियर, द थिंग इज लाइक Japan, you don't even need to lock your door. You know, in the night, girls can walk around. But if that's the world is not like this. This is kind of a. Actually, India mein bolte na Ram Raj. It's very close to something like Ram Raj because nothing is wrong somewhere. Like it's 100% safe, and everything is so organized and stuff like that. So. Sure.
world is not right. World is not like this. So they have to, you know how to take care of themselves. Both of them, I just have two daughters, but that does not mean they have a future. They want to do what they want to do in life. So for them, they have to be prepared for it. So it's very important to get those 3 years. She herself says, I was so protected in Japan. She used to go to American school in Chofu. But she said, I was so protected. The moment I went to, she went to American school in India, but the local जिस बिल्डिंग में रहता है उसकी जो लोकेलिटी है और ये सब जो है ना वो सब में जो उसने दुनियादारी सीखी है वो बोलती है आई कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड आई कैन इजीली टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। तीन साल में पूरा ट्रेनिंग हो गया अब तो बल्कि वो बोलती है कि अगर मैं ग्रेजुएशन के आई डोंट इवन वांट टू स्टे इन अमेरिका आई वुड प्रेफर टू बी इन जापान एंड इंडिया बिकॉज़ दैट्स द फ्यूचर इंडिया इज द फ्यूचर सो ऑल द किड्स इवन यू स्पोक अबाउट नवीन उसकी बेटी भी शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन इंडिया ऑल दीज द न्यू जनरेशन दे वॉन्ट टू गो टू इंडिया बिकॉज दैट्स वॉट दे थिंक इज द फ्यूचर तो ये सब चीज बहुत पॉजिटिव है एक तो इमेज बहुत अच्छा हो गया है एंड ऑब्वियसली इमेज पहले से भी बहुत अच्छा था और थोड़ा बेटर हो गया फिर चक्कर में क्या है कि बीइंग एन इंडियन इज अ प्राउड थिंग फॉर अस फिर वार्तालाप करते करते हम उनके घर पहुंच गए और इतने इंटरेस्टिंग एपिसोड हुए इतने इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुए मैं क्या बताऊँ आपको मतलब मैं शूट कर रही थी और मैं हंस रही थी वेरी इंटरेस्टिंग हुआ और मुझे भी रुलाया मुझे भी हंसाया और ये एपिसोड आप सबको हंसाएगा रुलाएगा और ये एहसास देगा कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें लेकिन हम सब एक फैमिली है भारतीय फैमिली भारत इन जापान दिस इज माय वाइफ दिस इज माय एल्डर वन दिस इज द यंगर वन सो वी लाइक टू हैव अ फोटो वॉल आई हैव अ हाउस इन कोफु आल्सो वी ऑलवेज हैव दीस photos on the wall so that you know we always remember who we are acha bhai aap bhul jayenge kya bhul nahi jayenge actually kya hai ki different ages ye mazak kar rahi hu main nahi different ages mein aage aadmi badhta hai na dikhne mein maza aata hai kaise time mein aisa hua tha ha to sabse purana photo yahan pe kaha hai yahan pe wo wala hai ye wala diva was one not even one then acha ye wala sabse chota hai yes ye aur pehle when diva wasn't even born this is my elder one Wow. This is when we used to live in Kodaira. कितने साल की है? She is 21. 21 की. Yeah. अच्छा. Okay. And this is the younger one. We used to live in Kodaira, Suzuki Cho, for a short while. When my elder one was going to ASIJ. वाह. Yes. क्या बात है. So three mosquitoes. वाह. तो कपिल जी आप टीवी में भी आते हैं. आप ज्वेलरी बिजनेस में इतना एस्टेब्लिश्ड है. तो अपना कहानी थोड़ा सा बताइए कैसे आए आप जापान हाँ जी मैं एक्चुअली इंडिया से कहीं बाहर जाना नहीं चाहता था हाँ जी आई डिड माय आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट वाह आई डिड माय सीए इन कोलकाता एंड देन आई वाज वर्किंग फॉर अ फाइनेंस कंपनी देयर आई डिड नॉट स्टार्ट माय ओन प्रैक्टिस देन देयर वाज आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम एन इंडियन ज्वेलरी कंपनी हैविंग ऑफिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैड ऑफिसेस इन हांगकांग बैंकॉक अमेरिका And I think they had that time in London also and in Japan. They were looking for an accounts manager. Mm-hmm. So my friend was working in that company and said, he sent me a message that they're looking for a person, qualified person for accounts job. So if you interested, please, you can, you know, send me your resume and you can go for the interview. They had their office, head office that was at that time that was in Jaipur. So I went for the interview. I had an interview with the boss. He liked me. I got selected and then I came to Japan. जापान आ गए कैसा लगा पहले जब आए आप एक्चुअली अगर जिंदगी में किसी और कंट्री का ऑफर आता तो मैं इंडिया से बाहर नहीं जाता तो आप कितने साल हो गए इधर मेरे को आई केम इन 1997 तो कोई नहीं आते थे तब जापान तो, हाँ बहुत कम लोग थे तब तो सारे साइन बोर्ड भी सब जापानी तो आप क्यों आए यही तो क्यों आए क्योंकि बिकॉज आई हैड दिस इमेज कि जापान इज अ कंट्री अगर मैं अकिहाबारा में जाऊंगा तो स्ट्रीट पे रोबोट चल रहे होंगे जस्ट एन ओवर एग्जैजरेशन मे बी बट एक्चुअली मेरा एक इमेज था कि जापान मीन्स टेक्नोलॉजी जापान मीन्स हाईटेक जापान मीन्स लॉट ऑफ लाइट्स इन शिंजुकू एंड अकिहाबारा सो दैट यूज्ड टू फैसिनेट मी एंड आई थॉट कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इवन इफ आई डोंट वॉन्ट टू वर्क हियर फॉर लॉन्ग आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड गेट अ जॉब
there is no problem with that. So that's the reason why I took up this assignment. I thought maybe let me try for 3 years. Now it's 27 years. तो आप किसी के लिए काम करने के लिए आए थे? Yes. फिर आपने मतलब खुद का इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट आपने खड़ा किया, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा क्या कि आई वाज वर्किंग फॉर दिस कंपनी ना, तो उसके बाद मैंने एक्चुअली इनिशियली आई वर्कड इन टू कंपनीज फॉर टिल 2007। अच्छा, सो 2007 में भी हाउ आई केम इन टू द ज्वेलरी ट्रेड वॉज ऑब्वियसली आई वॉज एज एन अकाउंटेंट इन अ ज्वेलरी कंपनी इन अ स्टोन वेरी प्रोफेशनली आई मीन they were dealing in specialized high end color stones. They had a very big name then. And so I was doing accounts job there, but I got very bored with the desk job. I thought I have come to Japan. Main in Japan aaya hu aur main din bhar computer ke samne baith ke kuch nahi karta, khali bank wale ke alawa kisi se baat karne ko nahi milti. To kya hua ki I went to the manager that time and I asked him, do you think I can become a salesperson here? He said, you don't know Japanese. You don't know anything about stones. How will you become like one? I said, I'll undergo training. Then he sent me to India for 3 months to learn stones. कि क्या प्रोसेस होता है, रफ कैसे लेते हैं, उसके बाद उसको कैसे काटते हैं, उसको कैसे फिनिश रफ में करते हैं. तो पूरा मेरे को सीखने को मिला. अबाउट इट टुक मी अबाउट थ्री मंथ्स देयर. वहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर यहाँ पे आया. तो जापानीज वॉज अ बिग हर्डल. तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट दैट आई डिड it was a lady boss. She gave me an appointment for Wednesday, but I didn't know the meaning of Suyobi that time, so I thought it's Tuesday. I went to her office on Tuesday. When I reached there, they said the boss is not here. I said, but I have an appointment there. So I was very pushy then. I was talking a little bit of, you know, tutti putti angreji, Hindi mix karke main bol raha tha. Angreji tutti putti bol raha tha, jisse ki samne wale ko samajh mein aaye main kya bol raha hu. Ab pure English bolenge to usko samajh mein nahi aayega. To tod tod ke usko English mein maine samjhaya ki main kyon aaya hu. Maine bola tumhare boss se mera appointment hai, aur usne suyo bhi bola tha. Suyo bhi to aaj hota hai. To usne bola ki lagta hai ye aadmi ko samajh mein nahi aa raha. Usne apne boss ko phone kiya. The boss knew a little bit of English. So she called me and said, COB one is, COB is Wednesday, not Tuesday. I said, oh God. I said, okay, I'm sorry. I came a day early. I'll come back again tomorrow. She said, no, you made an effort. You don't know Japanese, so it's okay. She made me wait for half an hour and she made sure that she came back. And then she took the appointment from me and made sure I had good sales. On a one-to-one basis, like a professional, a kind of a, you know, sales and marketing kind of a thing. तो मेरे को लगा कि लोग तो बहुत अच्छे हैं, कि मेरे मतलब मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को सब स्टोन्स के बारे में इतना नहीं आता, कुछ नहीं आता, बट दे मेड श्योर कि उन्होंने आके फिर मेरे को गाइड किया और फिर जितना उनको लेना था उन्होंने लिया. दैट वॉज माई फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड या मिस्टेक था, लेकिन उसको प्लस हुआ मेरे लिए. तो इतने पेरा पेरा जापानीज कैसे सीख गए ये? हाँ, माँ वाली को तो एक पछता जाना है. सुना ना, सो का मुशी रहना है. माँ ने आई यूज टू गो टू आई दैट टाइम आई यूज टू लिव इन उएनो ओकाचीमा कोजीमा चो. एंड एवरी इवनिंग आफ्टर लाइक ऑफिस यूज टू फिनिश अराउंड 6 to 7 अराउंड 7. सो आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो आई डोंट हैव फूड प्रॉब्लम्स. मैं रोज शाम को 7 बजे गायब हो जाता था. वहां पे अमेयोको में देर इज अ आयरिश पब कॉल्ड वॉरियर्स केल्ट, अभी भी है वो पब. वहां पे मैं रोज हफ्ते में 5 बार आई यूज टू बी देयर फ्रॉम 7 or 8 इन द इवनिंग टू 3 o'clock, 4 o'clock इन द मॉर्निंग. वहां पे लॉट ऑफ जापानीज पीपल यूज टू कम टू लर्न इंग्लिश एंड आई वॉज देयर टू लर्न जापानीज. सो वी यूज टू हैव लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन देयर ऑन द बार काउंटर. दैट्स हाउ आई पिक्ड अप माई इनिशियल जापानीज. And then for 2 months or 3 months, there was a volunteer teacher. She used to come to my office once a week. Then she gave me a little basic knowledge of hiragana, katagana, and how to, you know, use your Japanese, the tone. That got polished a bit. And फिर उसके बाद after 7 years, like in 2000, not 7 years, it's more. 2007 I left working and I started my own company. And then which year? 2007. Achha. 2007, okay. December. Mm-hmm. I started my own company. And then initially I used to do simple wholesaling of stones in Kofu and Osaka and Kobe. I used to go out for business trips also.
But then, इस amazing and interesting conversation में कपिल जी ने मुझे बताया कि वो जापान कैसे आए, उनका जापान का इमेज उनके लिए कैसा था, फिर उनको पहला जॉब कैसे मिला, फिर यहाँ पे 2007 दिसंबर में उन्होंने अपना कंपनी खोला, फिर 2011 आर्थक्वेक एंड फुकुशिमा, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, फैमिली प्रेशर के लिए उनको और पूरे फैमिली को इंडिया वापस जाना पड़ा. द 311 केम 2011 311 दैट वाज अ काइंड ऑफ एन कुड बी अ आई ओपनर और लाइक इट वाज अ big thing for us in our life tsunami. Because the tsunami was here and, Fukushima and more than the tsunami the people from India got so panicked that they wanted us to come back to India because of the radiation. I know. Had very little knowledge but it had become such a big thing in media that humne mummy papa ya jo bhi the unhone bola ki nahi ek bar to tum aa jao. So that was the first time when I made sure that my family left in the morning. I took the evening flight and when I came back and I took my suitcase and when I was leaving my house, I actually said bye-bye to my house because I said, I don't know whether I see you again or not. That was the feeling which I had. Although I didn't want to leave, I said, okay, family ke chali gayi, theek hai, I will be there. Kya mereko koi farak nahi padta. But lekin wo, due to family pressures, I said, okay, let me go. But I came back in 10 days. फिर कपिल जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, स्पेशली फुकुशिमा के वक्त जब इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे खाना लेके जाते थे तो ये जापानीज लोग कितने ग्रेटफुल थे. दे आर सो ग्रेटफुल एंड दे डिड नॉट लूज द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी. वहाँ के जापानीज कम्युनिटी ने अपना ग्रेटफुलनेस जताया. दो दे डिड नॉट हैव फूड बट देर वॉज नो फाइट. They're just letting others go first and take the food. That humanity really touched his heart. And he said, Is desh mein kuch to hai. And also in Tokyo, the Govinda restaurant people, we all did that. They used to take food to the... To Iwakun, wo wahan pe jaate the na, Fukushima mein. तो उसमें फिर हम लोग कोफू से मेरी वाइफ ने भी सबने खूब सारा खाना वाना बनाया था. आई थिंक वी मेड खाना फॉर अबाउट 1000 लोगों का खाना बना के हम लोग सब गाड़ियों में भर के गए थे वहाँ पे वॉलंटियर करने के लिए. तो इट वाज सो टची कि हम लोग वहाँ पे जब वापस आ रहे थे ना एवरीबॉडी स्टूड इन अ झुंड एंड सब लोग ने जोर जोर से बाय बाय जो किया ना वो सीन जिंदगी में दोबारा कभी मतलब अपने दिमाग से कभी हटा नहीं सकता. सो दैट वॉज समथिंग लाइक यू नो कि कितने ग्रेटफुल थे वो लोग जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया. हमने घर में कुछ रोटियां ही तो बनाई और जाके खाना ही तो खिलाया. नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वी डिड बट वो जो उनका रिएक्शन मिला था जो उनके लोगों से फिर उसके बाद हमने ड्राइव करके वो एरिया में भी गए जहाँ पे वो पूरा एकदम तबाही मची हुई थी. तो वो सब देख के लगा कि ये कंट्री में कुछ तो है कि इतना सब होने के बाद भी वहां पे लोग खाना आ रहे हैं ना तो लाइन में बैठे हुए हैं सब आराम से खड़े हुए हैं. कोई आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा कुछ नहीं सब आराम से ऐसे जैसे सब कुछ ठीक है कुछ तो खराब हुआ नहीं. तो उसमें लगा कि दे हैड वेरी गुड स्ट्रांग प्रिंसिपल्स एंड मॉरली एंड आई थिंक देखिया गारी सुबाराशी तो मोता नो बडी वॉज आउट ऑफ लाइन. Everybody was yes, sakini dozo type. So I was like crazy, man. तुमको खाने को नहीं मिल रहा, तुम्हारा जिंदगी खत्म हो गया, तुम्हारा पूरा घर चला गया, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ पता नहीं, आगे क्या होगा ये नहीं पता, कहाँ रहोगे ये नहीं पता. फिर भी उनका जो etiquettes है, जो courtesy है, same. उसमें कोई change ही नहीं है. हम लोग तो सबसे पहले panic होके पहले सोचेंगे भाई अपनी जिंदगी बचाओ, तुम तो बाद में खाना खाना पहले मेरे को दे दो. लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी attitude ही नहीं था. तो वो चीज देख के ना बहुत हिल गया था मुझे एक बार. तो एंड एक और समझाऊं तो हम लोग जब यहाँ से गए थे ना तब मैं वाइफ की जो पर्सनल थोड़ा बहुत कैश था थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी वो लेके गए थे हम लोग. तो जब लोग वापस आए ना तो एयरपोर्ट पे मैं लेने गया था उनको. मैं पहले ही आ गया था. आई वेंट टू पिक देम अप एट द एयरपोर्ट एंड वो लोग माय वाइफ हैड पुट द पर्स ऑन द जो ट्रॉली पे रखा था. गाड़ी में बैठ गई मेरी छोटी बेटी थी उस समय. सबको डर लगता था कि ये रेडिएशन जल्दी गाड़ी में बैठो जल्दी गाड़ी में बैठो. सब उठ उठ के फटाफट गाड़ी में बैठ गए पर्स उस पे छोड़ गए ट्रॉली पे. व्हेन वी रीच्ड होम इन कोफू एंड द नाइट शी सेड लेट्स गो शॉपिंग. घर में कोई सब्जी वब्जी तो है नहीं. जब उसके लिए पर्स देखा तो पर्स था ही नहीं. देन वी थॉट वेयर द पर्स इज. देन वी थॉट कि ये तो ट्रॉली पे रखा था उसके बाद नहीं देखा है.
So then I called them up in the night and they said that they had actually found that purse. जो ट्रॉली ठीक जो खताज के करने वाला जो आदमी है ना उसने वो पर्स लाके लॉस्ट एंड फाउंड में दिया एंड दे सेड वी ओपन ऑफिस एट 6 इन द मॉर्निंग सो यू कैन प्लीज कम एंड कलेक्ट इट. सो आई वॉज देयर 4 o'clock इन द मॉर्निंग. आई कॉन्ट स्लीप मैन कम ऑन. मेरा खूब सारा उसमें जमा पूंजी है मेरा कैसे सो सकता है कोई आदमी. हम लोग सुबह मैं 6 बजे पहुंचा वहां पे ना तो इतना एक लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर के पीछे एक रूम था बड़ा रूम पे उसमें सारी चीजें ऐसे ऐसे करके उन्होंने सजा के रख रखी थी. And they were apologizing कि sorry we couldn't make a list of the items, we are very sorry, but एक बार check कर लो इसमें कुछ चीज missing तो नहीं है. मैंने कहा इतना सब मिल रहा है मेरे को अगर missing भी होगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता जो मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत है. But they said कि then I said कि मेरे को उस आदमी को कुछ you know I want to give him a reward or something. तो कहते हैं that is not allowed. मैंने कहा भाई said कि that आदमी को उसने फोन भी किया तो बोला no I did my job, there's nothing extraordinary I did. So it's okay, I don't want anything. He didn't even come to say hello to me. Because I don't want anything, he said. और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस कन्वर्सेशन में बीच बीच में ही कपिल जी जापानीज बोलने लग गए थे. मतलब क्या बताऊं 100% जापानीज. और मुझे उनको बार बार रिमाइंड करना पड़ रहा था कि देखने वाले लोग जापानी समझते नहीं है कपिल जी, चलिए हम लोग हिंदी में बात करते हैं. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था हम दोनों के बीच में. तो कपिल जी आपने अपना प्रोफेशन भी चेंज किया फिर वो 11 मार्च 2011 आ गए. yes. उसके बाद आपके बिजनेस आपका मेरा बहुत काफी चेंज हुआ उसके बाद. एक्चुअली क्या हुआ कि उसके बाद ऑब्वियसली बिजनेस वाज अ लिटिल डाउन. ऑब्वियसली नोबडी इन द कंट्री वाज इन द मूड टू बाय ज्वेलरी स्पेशली. बट क्या हुआ कि वहां पे उस समय यहाँ पे एक नया ज्वेलरी शॉपिंग चैनल स्टार्ट हुआ था. सो माय फ्रेंड यूज्ड टू स्टार्टेड कमिंग ऑन दैट टीवी एंड ही इज एन एमरल्ड गाय. सो ही वाज सेलिंग एमरल्ड्स ऑन इट एंड द कंपनी दैट स्टार्टेड दैट चैनल दैट बॉट ओवर द चैनल एंड स्टार्टेड अगेन आई यूज्ड टू नो देम फ्रॉम बिफोर. सो दे वर लुकिंग फॉर अ कलर स्टोन प्रोफेशनल गाय to appear on TV. You know, being on TV, apart from being professional, you have to be presentable, you have to be omoshroi, because foreigners ko koi itni jaldi vishwas karne mein thoda time lagta hai na. It's very natural, it's not something wrong, because somebody coming from out of the country and you can't trust him immediately. So they thought ki I have a pleasant face, ma nihonji ni wa aau na, can you start coming and coming on TV. So I used to sell stones on TV, on television Suhan. So that is how I started doing that. Now it's been 13 years now. Wow. 13 years I'm still with that channel. I still supply to them. I appear on TV and that is how my TV career got started. Wow. And there my Japanese got polished because the MC, you know, you sit and there is an MC sitting next to you. So they used to guide me how to talk so that I am Indians ki thodi aadat hoti hai jaldi bolne ki, phatafat phatafat bolne ki, long sentences bolne ki. I used to go to the exhibitions, all the clients who used to buy on that television used to come and say me, talk to me that you are a Japanese, you are English, you are an Indian, but your Japanese is very easy to understand. It that namariga nai. You know, you're not talking the Indian Japanese, you're not talking the English Japanese, you're talking the Japanese Japanese. So that was very good for them. And then with regular, I used to... I think in Japanese. Exactly. I know I have to say this sentence in this situation. So I don't think what I can say in Hindi or English. मैं पहले उसको जापानीज में ही इस सिचुएशन में मुझे ये बोलना है. तो इसलिए नमारी का नहीं. तो कपिल जी आप किसी और के लिए काम करने के लिए आए थे. हाँ. फिर अपना कंपनी खोला. yes. आज इतना सक्सेसफुल है आप. तो मतलब क्या अभी आप क्या क्या कर रहे हैं अभी. मेरा आई हैव अबाउट अ कपल ऑफ कंपनीज हियर. वन कंपनी इज डूइंग होलसेल in which I cater to the TV shopping
channel, which is that is my main, more than 50% of my work is there. But I supply to other TV channels also, but I don't appear on them. I just give my stuff for sales to them. Because you know, when you appear on one TV, you're not allowed to appear on, because it's like business ethics. So I don't appear on other TV channels. I just appear on GSTV, Gem Shopping TV. It used to be called Gem Shopping TV. Now it is GSTV. So there I put like 50% of my work is there. Plus I have another company. You know, again, my life is a very, you know, it's a thing. Like I've got so much. It's a very interesting life. I'm very enjoying it because I was on that TV. I got an offer from a local channel in Kofu. Ki omoshiroi indojin Tokyo no terebi tsuhan ni deteru kara. De kare wa Yamanashi no ningen desu kara. Dakara watashi sono GSTV ni wa itsumo naka watashi no dain no furusato wa Yamanashi Kofu ganbare toka iroiro omoshiroi koto yatetan desu yo. Aapke liye ne pure India Japanese seekh jayenge. So when I used to do that, there was a call from that local TV channel in Yamanashi that we are going to have some additional programs in the evening. So can you become one of the presenters? So I used to have this channel, a program called Kapil no Namaste Yamanashi. Ima mo tabun YouTube toka de kensak sureba aru to omou, iroiro omoshiroi tokoro. So then I used to have two programs in a month, in which I used to go to different places, different traditions, different like mochis kuri tako age nanka iroiro different different omatsuri ni ittari toka onbashira toka nanka iroiro yarimashita. I did everything. I went to onsen, I became hadaka and went to onsen. So you know one dakara yuteta nanka gaikokujin ga hajimete hadaka ni terebi ni deteru janai desu ka tte iu gurai yuwareta gurai desu kara. Indojin ga yutteru, that was one of the first programs that I did. So that way I did that thing like twice on Tuesdays. I used to have this Kapil no Yamanashi, Namaste Yamanashi Tokusho. それね、インド人のカプリさんが、あの、山梨のいろんなところを外国人の目で、あの、日本人におすすめする、とか説明するっていう感じ。わ、キャバータ。デルサルボキア。This is giving me such an opportunity to, you know, get used to and, understand Japanese culture. Real Japanese culture, and yes. Foreigners cannot do that. मैं पूरी तरह रिलेट कर पा रही हूँ तो, बिकॉज सेम थिंग मैंने भी किया है फुकुओका में. तो कितना डिफरेंट चीज है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते. टेम्पल के उरा में जाके वहां पे उनके जो खजाने होते हैं वो क्या है वो सब देखने को मिला. फिर उसके बाद आप इतने सारे ट्रेडिशंस किया उसमें, मेरे को वो भी बनाया तो ओकामा बन के मैं लड़की बन के भी आया उसमें. वाह. मेरी बीवी ने बोला अगर दोबारा ऐसा किया ना तुमको मैं छोड़ के चली जाऊंगी. आई स्टिल हैव द फोटोग्राफ. आई एम ड्रेस्ड अप लाइक इन किमोनो एंड गोल्डन हेयर. वाह. तो अभी आपके कितने कंपनीज हैं? नहीं तो अभी चलो वो एक चैप्टर हो गया. हाँ. उसके बाद क्या हुआ कि मैं क्यों अभी दूसरी वाली कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि आई हैव द स्टोरी टू हाउ आई स्टार्टेड दैट कंपनी. तो उसमें क्या हुआ, जब वो हुआ ना तो ये टीवी शो और जापानीज टीवी, मतलब ये सुहान बांगमी कोफू यामानाशी नो टीवी, दैट यूटी वाई इज अ टीवीएस बीएसटीवीएस के नो कैशा, दे सॉ मी देयर. And GSTV also used, that time used to come on BSTVS in the evening. So there was this, I think anybody and everybody knows this person called Matsuko-san. Matsuko-san, minna shitteru desho. Minna shitteru. Nihon de shiranai kata wa nai urai no kata de. De, Matsuko no shiranai sekai wa chou yume na bangumi. Shichoritsu mo takai de, minna miteru to omoimasu kara. Soko kara, ano, nanka, 宝石は今までやったことがないから、はい、インド人はね日本語喋れないからヒンディ語でお願いします。あ、ヒンディ語はそうか、すいません。マハペキャはキメレコキャグラメアプニジュエルリーインダストリー from a like a foreigner coming to Japan and jewelry industry को उस प्रोग्राम में शीरा नहीं सिखाया वो. oh. उसके लिए इसके मतलब मासुको सान ने कभी ज्वेलरी इंडस्ट्री का प्रोग्राम कभी नहीं किया था तब तक. सो the producer and all these people, hamari industry ke bahut sare yume log hain, bahut sare log. Un sab ka interview liya usme. I don't know how they come to know about me, maybe because I was doing Tsuhan and I was in that Kofu Yamanashi UTY. So they sent me a message ki would you be interested in such kind of thing.
नो व्हाट टू से, आई सेड इट्स काइंड ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस, व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू, चलो. तो मैंने हाँ किया. तो उसके बाद वो लोग आए, दे टुक अबाउट 3 इंटरव्यूज ऑफ माइन एटलीस्ट, यू नो, बिकॉज कमिंग ऑन नेशनल टेलीविजन इन जापान, स्पेशली अ फॉरेनर, दे हैव टू बी 100% श्योर दैट दिस गाय इज जेन्युइन. Totally. है ना, बिकॉज यू नो दे कांट हैव अ शेडी कैरेक्टर ऑन द टीवी. सो दे मेड श्योर, दे क्या क्या इंटरव्यू नहीं लिया, मेरा पूरा लाइफ का हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग तरीके से. बाद में मेरे को समझ में आया क्यों पूछ रहे थे, पहले तो मेरे को समझ में आया मैं अपना इंटरव्यू दिए जा रहा हूँ, बाद में उसमें नहीं, मेरा बचपन के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, स्कैन कर दिया पूरा मेरा लाइफ, स्कैन कर दिया. फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि मैं उस समय क्या है कि मैं आई यूज टू गो टू माइंस इन तंजानिया टू बाय रफ, एंड यू नो आई यूज टू डू उसको इंडिया में कट करा के यहाँ जापान में मंगाता था मैं, तो आई यूज टू गो टू माइंस ऑल्सो. तो उस बांगमी के लिए उनके हिसाब से ये था कि फ्रॉम माइन टू डायरेक्ट सेलिंग ऑन टीवी कोई दूसरा आदमी नहीं है, ही इज गोइंग टू माइन, ही इज अ बायर, ही मेक्स ज्वेलरी, ही कम्स ऑन टेलीविजन एंड द जापानीज पीपल आर बाइंग फ्रॉम हिम, ऑल इन वन. बोला इतना वाइड वराइटी कोई दूसरा आदमी नहीं है. सो नेम्स वर, आई कांट से द नेम्स, बट दे आर वेरी वेरी वेल नोन पीपल इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री. I asked him, I said, no, he said, I'm not supposed to tell you. I know, I said, okay. But what happened? By mistake, they had sent their DVDs to me by mistake. So I got to know all the names. Dekha, isko bolte Deai. You know, Ungaru. Ungaru. So I got to know the names of all the people. Although I've never told anybody who those people were. Camera se humne aap batana chahenge? Nahin, nahin, bilkul nahin batayenge. Kyunki sab bahut, bahut, bahut famous and Japan mein sab jante unko. तो इसलिए मैं ऐसे बोल नहीं सकता उनके बारे में. तो इसलिए फिर मेरे को चूज किया, तो मैं वहां पे आया उस प्रोग्राम में, एंड दैट प्रोग्राम बिकेम द प्रोड्यूसर वेंट विद मी टू इंडिया ऑल्सो. इंडिया में भी बाइंग कैसे करते, ये करते वो करते, पूरा करके 3 महीना लगा, लेकिन पूरा बांग भी बना. फिर उसके बाद जिस दिन वो रिकॉर्डिंग था उस दिन गया, देन आई गॉट अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग नेक्स्ट टू मत्स्को-सान. द प्रोग्राम बिकेम अ सुपर हिट. अच्छा. तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जब प्रोग्राम हुआ ना, तो उसके बाद इंटरनेट पे पीपल वर सर्चिंग दैट प्रोग्राम एंड कमेंटिंग ऑन दैट प्रोग्राम लाइक क्रेजी. सब कोई बोलता है इसका इतना बड़ा काम कर रहा है, ये इस तरह का स्टोन्स दिखा रहा है, तो इसका नेंचो सांजेमान तो जरूर होगा. कोई बोलता है नहीं, नाना सेमा होगा. मतलब देयर वाज सो मच ऑफ र्यूमर्स गोइंग अराउंड इन द ऑन द इंटरनेट. इवन इफ यू स्टिल कपिल एंड मत्स्को टाइप करो ना, तो पुराना सारा आता है, एंड सी व्हाट दे हैव रिटन, पीपल आर गोइंग क्रेजी. तो उस समय क्या हुआ, ट्विटर में इट वाज लाइक ट्रेंडिंग लाइक क्रेजी दैट टाइम. देन आई थॉट कि पीपल, आई गॉट सो मेनी कॉल्स इन माय ऑफिस एंड इन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज दैट हाउ कैन वी बाय फ्रॉम यू, यू कम ऑन टीवी, वी अंडरस्टैंड दैट, बट आई वॉन्ट टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम यू. That was तो और भी रिच हो गए आप. तो रिच नहीं हुए, काम बढ़ गया. थानोस को नाम दे, फॉर मी आई लुक फॉर बिजनेस ऑब्वियसली टू मेक मनी, अदरवाइज यू कैन नॉट लिव ऑन दिस प्लैनेट. बट फॉर मी इट इज सेकेंडरी. फॉर मी हैप्पीनेस, द एक्साइटमेंट आई गेट फ्रॉम डूइंग ऑल दिस थिंग्स आउट, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल. तो इसलिए वो, तो उसलिए फिर मैंने आई गॉट विद ज्वाइंट हैंड्स विद अनदर जापानीज गाय एंड आई सेड लेट्स स्टार्ट अ रिटेल कंपनी. वाओ. एंड सो देन वी स्टार्टेड अ रिटेलिंग कंपनी. वी हैव एन शॉप इन ओकाचीमाची बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम ऑन मत्स्को. बट आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम ट्वाइस अगेन. सो आई टोटल 3 times आई वॉज ऑन दैट प्रोग्राम. वेरी रेयर फॉर 1 person टू बी कमिंग ऑन दैट प्रोग्राम 3 times, स्पेशली फॉर एन फॉरनर इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो बट या आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड नाउ आई एम डूइंग द होलसेल ऑल्सो प्लस आई एम डूइंग द रिटेलिंग थिंग. बट रिटेलिंग में भी क्या हुआ ना, जब स्टार्ट किया उसके बाद आया कोरोना. सो शॉप्स क्लोज. बट see, whenever there is a door that shuts in front of you, there are 3 doors opening for you. True. है ना? I am a firm believer in that. So, जैसे ही वो हुआ ना, तो सुहन बंग में, mean everybody is in the house. So, what they do? They watch television. And whole day news and everywhere they see sad news.
कितने लोग आज कितने लोग मरे, आज कितने लोग का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी दुनिया में यही खबर चल रही थी पूरी। काउंट होते थे कितने कोरोना पॉजिटिव आ गए, वो काउंट देख देख के सब लोग इतना दुखी थे कि उस समय क्या किया उन्होंने। रात को हम लोग जब टीवी पे बैठ के ये करते थे, सो दिस इज खोकोरो हियासु चिकारा गा, लाइक इट द ज्वेलरी हैज इट्स अ ड्रीम, इट्स अ यू नो इट्स काइंड ऑफ अ थॉट, अ ड्रीम, हैप्पीनेस, यू एसोसिएट ज्वेलरी विद ऑल दीज थिंग्स। सो दे सेड कि रात को जब तुम लोग बैठ के इतना इंटरेस्टिंग वे में, नॉट अ वेरी फॉर्मल वे, वी डू इट इन अ वेरी, इट्स काइंड ऑफ अ एंटरटेनिंग टेलीविजन शॉपिंग कंपनी। Wow. It has, if we do television shopping, but we do a lot of entertainment. So this is also like, that is also your company? No, that is, no, that is a company in which company. I sit on the TV sit and the sell table. My products. Okay, okay. Yeah. So that is not my direct sales. संक्षेप में आप बताएंगे कितने सारे companies आप अभी own करते हैं, क्या क्या काम? Own दो. दो करते हैं, बाकी तो बाकी selling. हाँ. वाह. Yes. और retail भी, wholesale भी. हाँ. Retail भी नहीं, तो जब ये corona आया ना, तो जो रिटेलिंग वाली कंपनी वो तो शॉप बंद हो गई। अब क्या करो, उसके बाद जिंदगी में पहली बार इंस्टा लाइव शुरू किया, वी स्टार्टेड सेलिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो मेरे पास क्या है कि जब मैं तीन बार, जब ये पहली बार आया तो उसके बाद मेरा फॉलोअर्स काफी बढ़ गया था, अबाउट 4,000-5,000 फॉलोअर्स आ गया था मेरा इंस्टाग्राम पेज पे। तो हमने कहा कि अब क्या किया जाए, हमने कहा चलो एक काम करते हैं, अगर वो लोग हमारी दुकान में नहीं आते देखने को हम अपना सामान उनके पास लेके चलते हैं, है कि नहीं। सो द बेस्ट वे इज नाउ बिकॉज ऑफ द केताई बीइंग सो नो द फोन्स आर सो हाई टेक, यू आर नाउ टेकिंग माय थिंग ऑन दिस केताई देखो, बट द फोन आर सो हाई टेक दैट यू डोंट नीड अ वीडियो कैमरा फॉर इट, डूइंग इंस्टा लाइव देन, एंड देन द पीपल गॉट क्रेजी, नोबडी थॉट कि अ पर्सन कैन बाय फ्रॉम लाइक 3,000-4,000 येन प्रोडक्ट तो इचिमान थकाईवाने था मुझे गोया को मैं इसे मांगू रहना मनोगत इंस्टाग्राम पे खाते करे था सुगोई 10 million yen, 5 million yen they used to buy on Instagram Insta Live, so that means I made that trust because of that TV program that the Japanese people can trust me that if he's saying something right, if saying something he is saying right, so I could I did that a lot of time. Then when I got the second time chance in Matsuko, then the followers became more. Then when I got the third chance in Matsuko, now we have around 16,800 or about 17,000 followers on Instagram. Wow. And we do, abhi internet pe itta busy ho gaya ki I have one shop in Osaka, two shops in Okachimachi. All three shops are closed because we don't have time to open the shop. Everything is selling so much on internet and Instagram. तो मतलब आपके जिंदगी मतलब हाउ इज योर लाइफ, कैसा अभी तक जो 27 साल हो गए, अगर आपको एक शब्दों में या सेंटेंस में अपने जिंदगी के बारे में, मतलब कैसा रहा आपका जर्नी जापान में? मेरा बहुत बढ़िया रहा। देखो हर जगह की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होती हैं, बट आई थिंक इफ द पॉजिटिव्स आर मोर देन द नेगेटिव्स देन इट्स अ गुड प्लेस। सो जापान की नेगेटिव भी ऑब्वियसली है, एक आध होगी जो भी होगी, बट द पॉजिटिव्स आर सो मच दैट आई थिंक इफ इट वाज नॉट जापान आई वुड हैव गॉन टू इंडिया बाय नाउ बिकॉज़ आई लव माय कंट्री वेरी मच। अभी भी कोई प्लान है क्या इंडिया वापस जाने का? वापस जाने का प्लान ये है कि मैं यहाँ पे तो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो इसलिए कि जापान को छोड़ के तो नहीं जा सकता, तो आगे जाके ये है कि आधा इंडिया में रहो आधा यहाँ रहो, ऐसा थोड़ा सा प्लान है? प्लान है नहीं, 100% ये होगा। अच्छा ऐसा ही होगा, अपनी देश जाना है, वो चीज मैं नहीं छोड़ सकता। मेरा एक वहां पे इंडिया में हमारा पुश्तानी मतलब जो बोलते हैं ना हेरिडेटरी घर वर भी है वहां पे, तो इसलिए मेरा आगे जाके एट द एज ऑफ 65-70 और मे बी 75 आई वॉन्ट टू सिट देयर एंड हैव अ बियर। यही है कि मेरे को घर में जाके बैठ के बियर पीना है। मैं इतना ड्रिंकर नहीं हूँ, मैं हैवी ड्रिंकर नहीं हूँ, आई ड्रिंक ओनली विद फ्रेंड्स, आई नेवर ड्रिंक अलोन। वाह, तो वहां पे भी दो चार फ्रेंड को ले लाके बस और क्या, चलो बियर पीते हैं, बिल्कुल पुश्तैनी घर में। यस, वाह क्या बात है। तो जिंदगी बहुत अच्छा रहा जापान में? बहुत अच्छा रहा, जिंदगी इसलिए अच्छा रहा कि यू शुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, नेगेटिव साइड होता है बट उसको लेके बैठ जाओगे तो यू विल बी ड्रैग डाउन, सो सी द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ एंड कीप। तो 27 साल के बाद भी आप भारत से, इंडिया से बहुत जुड़े हुए हैं, है ना?
काम के हिसाब से भी ना, बिकॉज आई हैव टू गो टू जयपुर फॉर परचेजिंग, सो आई ट्रैवल टू इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली. सो वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हैं? आई एम, ये भी एक इंटरेस्टिंग है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में एवरीबॉडी इज आइदर फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई और जयपुर, दे आर द टू यू नो हब, ज्वेलरी डायमंड एंड कलर स्टोन हब ऑफ इंडिया. और एक इंटरेस्टिंग बात है, बातों बातों में हमें पता चला कि कपिल जी वॉज रेज इन कोलकाता और उनको बंगला भी आते हैं. आई एम बॉर्न इन मेरठ, माई हेरिटेज लाइक ऑन माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरीबडी इज फ्रॉम मेरठ, बट एट द एज ऑफ 3 आई वेंट टू कोलकाता बिकॉज ऑफ माई फादर्स जॉब एंड ही वॉज डूइंग समथिंग इन कोलकाता, सो वी आई डिड माई स्कूलिंग इन कोलकाता. आई कैन स्पीक बंगाली, बंगाली बोलो तो ना, उसमें जापानी आ जाता है कम्प्लीटली. अभी बोला ना बोलते पारी, उसके बाद नेक्स्ट बोलने समझ में नहीं आया क्या बोलूं, जो भी जापानी आ गया उसके अंदर. सो आई कैन रीड राइट एवरीथिंग इन कोलकाता. ओ बांग्ला, yes, लिखते पढ़ते पढ़ते पारी, बोलते पारी, सब कुछ बोलते पारी. आई डिड फ्रॉम लाइक आई वॉज 3 वेन आई वेंट टू कलकत्ता, कोलकाता, एंड नाउ इट्स कोलकाता, इट यूज्ड टू बी कलकत्ता, कोलकाता, यस, एंड टिल माई सी ए आई वॉज देयर, आई डिड माई रसगोल्ला खेते पारेन, रसगोल्ला भालो करे खेते पारी, गरम रसगोल्ला खेते पारी, गरम गरम रसगोल्ला, गरम रसगोल्ला खेते पारी, छाना बड़ा, यस, आई यूज टू लिव इन साउथ नियर द लेक्स, नियर विवेकानंद पार्क, जतीन दास रोड. वाह वाह, यस, पूरी एकदम पूरा बांग्ला, पूरी बांगाली बाबू, एकटू बांगाली बाबू, एकटू बांगाली बाबू. वाह वाह, तो बांगाली कोनो माने खबर, बांगाली का लुचि आलू मझोले माचेर झोल आतो आतो ओइटा पांता भातेर टाटकु बैगुन फोड़ा. वाह, बैगुन भाजी, कुचका, झालमुड़ी, सब किचु भालो लागे. कतो दिन जा होय नि कोलकाता? आई लास्ट इवेंट वाज 2022 in November. I went after 15 years. 2022. Yes. Calcutta has changed. Kolkata one change hoye geche. To aap to bahut khush hai Japan mein. How about aapke family? Parivar kaise? Matlab wo log bhi khush hai. Family basically kya hai? Main hu, meri wife hai yahan pe. Aaj abhi wo thoda India gayi thi. Aaj wo yahan pe nahi hai. Wo hoti to bahut khush hoti. एंड वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरी तरह, मैं पता नहीं हूँ कि नहीं, वो आप बताओगे. डीवा इज द यंगर वन, शी इज गोइंग टू रग्बी स्कूल जापान एंड शी इज इन ग्रेड 8 एंड द एल्डर वन इज शी इज गोइंग टू टर्न 21, शी इज बोर्न इन 2003 एंड शी इज गोइंग टू कंप्लीट सेकेंड ईयर इन कॉलेज नाउ. तो वो लोग भी खुश है जापान में? वो भी खुश है, बहुत खुश है. एक्चुअली क्या है कि पहले तो शुरू से तो यहीं पर बोथ आर बोर्न इन जापान ओनली इन कोफू, कोकुरित्सुबियोइन. And then they used to, we used to all live in Kofu most of the time. Then because of they not having any, वहाँ पे ना international school नहीं था, एक छोटा सा school था which was still class 3 or 4. तो इसके बाद हम लोग को shift करना पड़ा. So my younger one used to go to Yokohama International and my elder one used to go to American school Chofu. So that time I used to live in Chofu. Kofu से Chofu. Chofu. और कितना Tofu? Office तो Kofu में ही है. तो एक घंटे का जर्नी है. तो मेरा जिंदगी आई थिंक आई हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ माय लाइफ ऑन द हाईवे. तो आपने कोफू से चोफू, तो आप कभी तोफू खाते हैं? तोफू तो सबको अच्छा लगता है. तोफू तो एक ऐसी चीज है कि मतलब अब तो खाली जापान क्या, अब तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. इंडिया में जाओ तो क्या खाते हम? तोफू खाते. अरे तुमको नाम ही नहीं पता था पहले, हम सब खाते तोफू. सो तोफू इज वर्ल्ड फेमस नाउ. अभी हाँ पूरी तरह. तो इसलिए मेरे को ख्याल मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, तो इसलिए मैं प्रोटीन की कमी जरूरत नहीं महसूस होती. मैं फिश खा लेता हूँ. हाँ. मुझे तोफू की इतनी जरूरत नहीं महसूस होती. एग्जैक्टली. तोफू की जरूरत नहीं होती. हाँ. तो इसलिए ये रहा. तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक बार ऐसा है कि मेरी जो बड़ी डॉटर है ना, शी इज वेरी गुड एट प्लेइंग गोल्फ. तो शी वॉन्टेड टू बिकम अ प्रो. सो बट क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग, यहाँ पे जाके मेरा लैंग्वेज का बैरियर मेरे को फील हुआ कि मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता है. तो उस चक्कर में क्या हुआ कि वो यहाँ का हम लोग ने गोल्फ एसोसिएशन जो है जापान का, उसमें उसको एनरोल भी कराया, सब कुछ किया, लेकिन वो मेल्स जो है वो सब जो आए ना, तो आई कुड नॉट क्लियर दैट लैंग्वेज थिंग टू मेक श्योर दैट माय डॉटर गेट्स अ गुड फ्यूचर एंड शी कैन टर्न प्रो हेयर. सो मेरा क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि ऑल ऑप्शन क्या है.
एक बार इसको इंडिया भेज के देखता हूँ. सो आई सेंड माय फैमिली, माय वाइफ एंड माय टू डॉटर्स, आई सेंड देम टू गुड़गांव, गुरुग्राम, टू सो दैट शी कैन परस्यू हर गोल्फ. वर्ल्ड इज नॉट व्हाट जापान इज. जापान इज कम्प्लीटली डिफरेंट. इट्स काइंड ऑफ क्या वो बोलते हैं ना, एक राम राज्य बोलो तो बोल भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक उस तरह का एनवायरमेंट नहीं है कि आपको किसी चीज से डर नहीं लगता. कोई आपको ये नहीं लगता कि आप कभी गाड़ी नहीं लॉक करते, कभी आप घर लॉक नहीं करते, घर में कोई अलमारी में ताला नहीं होता है. तो इट्स सो मच लाइक सो मच प्रोटेक्टेड. मैंने किसी को बोला था कि इसके टॉयलेट में एक्चुअली होता नहीं था फुकुओका में, टॉयलेट में लॉक नहीं है, तो लोग वो तो क्या तो बाहर से तो खुल जाता है ना, वो तो चाबी लेके या एक येन का कॉइन लो खुल जाएगा, वो तो कोई भी खुल जाएगा. तो लोग इतने हंस रहे थे कि इज इट पॉसिबल. इट इज इस आवाम में सभी नंगे हैं, ये वहां का ऑनसेन ट्रेडिशन है. तो इसलिए कह रहा हूं ना कि इतना प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, तो मेरे को लगा कि यार इनको थोड़ा तो वो स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत जरूरी है. तो 3 साल के लिए आई सेंट माय फैमिली टू इंडिया, बट देन कोविड स्ट्रक, तो स्कूल बंद, सब कुछ बंद. यहाँ पे शुरुआत में मार्च में शुरू हुआ था, मार्च में फिर उसके बाद वो लॉकडाउन आ गया. They were not allowing foreigners to come back to Japan. So I was here. My family was in India. So India में भी सब lockdown, कुछ नहीं, सब हालत खराब. मैं यहाँ पे, मेरी family वहाँ पे, tension शुरू सबको. फिर क्या हुआ, जिस दिन इन लोग ने बोला कि जून में कि only families जो यहाँ पे रह रहे हैं और India गए हैं, they can come back. जैसे ही वो पता किया, मैंने फटाफट इनको बोला कि as it is India में सब कुछ online हो गया था, school वूल सब online चल रहा था. तो I made sure that my family came in the first flight here. तो दे केम इन हेयर, थोड़ा दिन, 2-3 दिन बाद उनको मिल गया उसमें जगह फ्लाइट में, सो दे केम ओवर. एंड देन उस समय क्या हुआ कि हमारा भी ऑफिस सब बंद था, बिकॉज वो था ना उसको जापानीज में, तो इसलिए वो चल रहा था. लेकिन यहाँ पे जापान में आप किसी को काम करने से नहीं रोक सकते, इसलिए दैट यू कांट गो आउट, ऐसा नहीं था, दे वर रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू गो आउट, कंपल्सरी नहीं था. तो इसलिए हमारा क्या था उस समय, ऑन द कॉन्ट्रेरी टीवी, तो जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा कि कोफू, मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग कोफू से गाड़ी में बैठे और हम लोग इस समय अरिया के गए थे, अरिया के वहां पर स्टूडियो था. तो कोफू से अरिया के तक रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं. 1.5 to 2 hours वी ड्रोव, देर वॉज नो कार इन फ्रंट ऑफ अस, नो कार बिहाइंड अस, वी डिडंट लोकेट इवन वन कार. तो इससे क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने खाली रिक्वेस्ट किया था, आप जा सकते थे बाहर, कोई रोकना ही नहीं था, लेकिन वो एक रिक्वेस्ट वॉज सो पावरफुल that everybody in Japan want to do this for their country. उसमें आप individually देखो तो आपको तो loss ही है ना, आपको काम करने को नहीं मिल रहा, आपको salary मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या नहीं, उसके बाद ठीक है different schemes आया, सब कुछ यहाँ के government ने किया, but initially तो खाली एक वही था, एक advisory था कि please घर से बाहर मत निकलो. And everybody was like, there's not even one. तो ये हम लोगों के लिए सीख है, सीख है कि जरूरी नहीं है कि आपको डंडा मारो तभी आपको काम करने की जरूरत है, डंडा मारो तभी आपको बात मानने की जरूरत है. बिना डंडा नहीं, प्यार से भी बात सुन, जो चीज ठीक है उसको करके आपको मान लेनी चाहिए बात. ये भी इतनी बड़ी सीख नहीं है, हम यहां पे करते हैं ये सारी चीजें, है ना. आप अगर देखो, हम सब इंडिया से यहां पे आए हैं, हम ये सारी चीजें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज अ डेली पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी डू इट एवरी डे. व्हाई डोंट वी डू इट इन इंडिया? वी डोंट डू इट इन इंडिया. The moment we go there, we are back to normal. मतलब rule break करना एक fashion है, आदत बन गई है, which is not right. So इसलिए क्या है कि ये सब चीजें क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को होइक्वेन right at the crash level उनको सिखाया जाता है अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करनी है, आप अपनी भी और आपके आसपास वालों को कैसे टेक केयर करनी है, है ना. आपको इसलिए यहाँ पे देखो ना, बड़े से बड़े साचो अपने घर के बाहर सुबह वो लेके झाड़ू लेके सफाई कर रहा होता है, कितना ही बड़ा आदमी हो, सब करते हैं, नहीं करते हैं. तो इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इसमें. और ये है कि इफ द कंट्री इज सेइंग समथिंग, यू शुड अबाइड बाय इट, बिकॉज इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू, एंड इफ यू आर सेफ द कंट्री इज सेफ. तो इक्वालिटी बहुत ज्यादा, इक्वालिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास है ना पूरी, रिच और पुअर का इतना वो नहीं, क्योंकि पुअर आर वेरी फ्यू एंड सुपर रिच आर ऑल्सो वेरी फ्यू. 90% इज मिडिल क्लास. सो दैट इज वन थिंग विच इवन द बिगेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट ऑन इन जापान विल गो बाय ट्रेन. वही 7-Eleven जाएगा. सब चीज सबका सेम है. वही मतलब सब लोग सब चीज अफोर्ड कर सकते हैं ऑलमोस्ट. तो इसलिए वो चीज है ना, तो इसलिए लोग सुनते भी, और ये भी हो सकता है कि बिकॉज दे आर नॉट डिप्राइव्ड. आपने वो भी बोला ना कि उनके पास खाना भी नहीं था फिर भी लाइन में थे. यस,
तो देवर न्यू दैट कि कुछ भी हो खाना मिलेगा, मतलब ये डिप्राइव्ड के लिए नहीं, ये लगता है कि नेचर के, इनके नेचर में ही है, नेचर ये नेचर इनकल्केट किया गया आफ्टर आई थिंक बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इन्होंने अपने आप को जिस हार्डशिप के थ्रू इन्होंने अपने आप को वापस खड़ा किया है, उसमें आई थिंक ये जो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग हुआ है ना, ये काफी बहुत अच्छी तरह से, आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव वेरी फ्यू लीडर्स एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री इज अ फॉलोअर. एग्जैक्टली, हमारे यहाँ में क्या है कि एवरीबडी इज अ लीडर, नोबडी इज अ फॉलोअर. तो अगर एंड स्पेशली क्या होता है कि कोई पढ़ के आके आपकी कंपनी में आपके ऊपर आके बैठ जाता है ना, ये कल का छोरा मुझे क्या सिखाएगा. इट इज अ काइंड ऑफ एन एटीट्यूड जो इंडिया में काफी देखने को मिलता है. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माई कंट्री, आई एम टेलिंग दीज आर द सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स विच इज नॉट प्रॉपर. वी शुड चेंज दीज थिंग्स एंड देन वी कैन बिकम अ बेटर कंट्री ऑब्वियसली. एंड वी हैव बीन एबल टू लर्न दीज थिंग्स, दैट्स वाई वी नो दैट इज रॉन्ग. अदरवाइज वो हमारे लिए भी, हम जब वहां थे हम भी ऐसे थे, हम भी वही करते थे क्योंकि हमको वही समझ में आता था. तो इसलिए क्या है कि बाहर आके एक चीज ये समझ में आई कि थोड़ा वे ऑफ लाइफ को चेंज करना. आप जब तक एक उसमें हो तब तक आप कुएं के मेंढक रहते हो, जब आप बाहर निकलते तो आपको लगता है कि दुनिया अलग भी है. और एक बात, मतलब अगर वेस्ट में जाते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं ना. हाँ. तो लेकिन जापान इज यूनिक वर्ल्ड है. और क्या अमेरिकन जो आते हैं वो परेशान हो जाते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि क्या कंट्री है. और अब तो ये बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द येन, सो मेनी पीपल आर कमिंग टू जापान लाइक क्रेजी. Like anybody and everybody who comes to Japan, this is, we never came to Japan because we thought it is so expensive, but now it is so cheap that everybody is coming to Japan and everybody is like bowled out. And the facilities, the convenience of this country. आप देखो ना, Hong Kong भी है, America भी है, सब कुछ है. We should take a stroller and move around ना. Japan में आज तक कभी ऐसा नहीं है कुमार कि how do I have to carry my baby, I have to carry my stroller, how do it? Because they have made sure either there is an elevator or there is an escalator or there is a slope, something for the baby to go. You don't have to take the baby out of the carriage. दुनिया में कहीं नहीं ऐसा. अमेरिका में भी ट्रबल फेस किया है, हांगकांग में भी ट्रबल फेस किया है कि जहां पे आपने सामान खरीदा, शॉपिंग किया, वो आपने लटका रखा है, एक हाथ में बच्चा को ले रखा है, एक हाथ में स्ट्रोलर को ले रखा है, परेशान होके गर्मी में आप चढ़ रहे हो सीढ़ी. बट यहां पे हर चीज का एक छोटा से छोटा चीज को टेक केयर किया गया कि आदमी की लाइफ को किस तरह से कन्वीनियंट बना दिया जाए. जब आदमी की लाइफ कन्वीनियंट होती है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. हमारे तो क्या होता है, हमारा क्या होता है, वी पहले क्या होता था, हम जब इंडिया में थे हमको अपने घर से ऑफिस जाने में हमारा आधा दिन का वो हो जाता था, क्योंकि बस में लटक रहे हो कोफू टोक्यो. आपको कलकत्ता में तो पता ही है, आपको बस के अंदर तो जाने का जगह ही नहीं मिलता, आपको तो लटक रहे हो बाहर एकदम. तो वो सब चीजें, वो सब एंजॉय किया. There is no complaint. I'm not complaining what I say. I enjoyed every bit of it. If I want to go, अभी भी मैं जाके जा सकता हूँ उस बस में, क्योंकि बहुत मजा आता है. Because वो भी एक बेसिक चीज ऑफ लाइफ है. मैंने हर लाइफ का जितनी भी स्टेजेस आए ना, हर चीज को बहुत अच्छे से इंजॉय किया. मैंने ये सीखा इसलिए उसके बारे में लगता है कि अच्छा उसको भी ऐसा कर सकते हैं इन फ्यूचर. बट वो चीज गलत है या वो चीज मेरी कंट्री की माइनस पॉइंट नहीं. मेरी कंट्री इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी चीजें, तभी तो प्लैनेट है. हाँ, लेकिन इम्प्रूव, हमेशा इम्प्रूव करने का स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट. एंड अभी तो इंडिया, तो अभी देखो इंडिपेंडेंस के बाद कितना 75 इयर्स हुआ है ना, नया कंट्री है हम लोग. तो इसलिए हमारे को अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, वी यूज्ड टू बी सोने की चिड़िया एंड वी विल बिकम सोने की चिड़िया. एग्जैक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो इसलिए उसमें कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट नहीं है. तो बट लेकिन ठीक है, वो एरा भी बहुत इंजॉय किया. अब जाओ गुरुग्राम में जाओ या कहीं भी जाओ, देख के लगता है कि आप दुनिया की किसी भी बड़ी सिटी से कंपेयर कर लो, नथिंग रॉन्ग विद इट. सुपर्ब. ऑन द कॉन्ट्रेरी, यू फील कि वहां के लोगों की परचेजिंग पावर आपसे बहुत ज्यादा है. द काइंड ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग एवरी डे, हमको लगता है कर क्या रहे हो तुम लोग. दे आर स्पेंडिंग लाइक क्रेजी, दैट इज द परचेजिंग पावर. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी यहां पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट यहाँ के बहुत अच्छे बड़े ब्रांड के बहुत बड़ा साचो है, वो मेरे साथ गया था इंडिया. वो देख के बोलता है कि ये कंट्री, मुझे यहां पे काम करना है. बोला जो डायनेमिक पीपल आर ऑन द रश, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग, एवरीबॉडी इज मूविंग. तो बोला यही तो फ्यूचर है यहां पे अभी, क्योंकि क्या ये बेस पे आए, अब इसके बाद ऊपर ही है.
इसलिए एवरीबॉडी इज लुकिंग टू इंडिया, लुकिंग फॉर इंडिया नाउ, दे वांट टू डू समथिंग इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज, पहले हम लोग जो बोलते थे हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए कर्स है, अब ये पॉपुलेशन हमारे लिए बून है, पूरा आशीर्वाद हो गया, बिगेस्ट मार्केट ऑन द प्लेनेट नाउ. एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू. तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा क्या है ना कि अब इंडिया में इतना लाइफ कॉम्पिटेटिव हो गया है या इतना जो एंट्री पॉइंट्स इतना हाई हो गया है कि अगर हम वी आर आई थिंक नॉट फिट टू गो बैक टू इंडिया एंड वर्क. दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर क्रेजी. व्हेन वी केम हियर, यस वी थॉट देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी हियर एंड यू नो वी केम हियर एंड वी डिड, एवरीबॉडी आई थिंक हु केम हियर एंड दे डिड गुड फॉर देमसेल्फ्स, बट नाउ द कॉम्पिटिशन, द ग्रोथ, द एनर्जी जो वहां पे है, हम लोग उनके साथ मैच नहीं कर सकते. ये मैं सच बता रहा हूं, ये नहीं कि मैं यारू की नहीं आया कि मेरे को काम करने की इच्छा नहीं है, मेरे को लगता है मैं कैसे कंपीट करूंगा उनसे, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम सब कुछ होते हुए भी दे आर सो एनर्जेटिक. हमारे को तो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम की तो आती नहीं है, हमको तो खाली काम के अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, और यहां पे जो यहां पे जुगाड़ की जरूरत नहीं, वहां पे जुगाड़ की जरूरत होती है. जुगाड़ इज द बेस्ट टूल ऑन द प्लेनेट एंड वो बस इंडिया में रहने वाले इंडियंस को पता है. जुगाड़ हम भूल चुके हैं, हम भूल गए, हम ऑब्वियसली तो बोला ना इनकेपेबल हो गए, यू आर नॉट फिट टू वर्क देयर. आई एम नॉट प्राउड ऑफ की वो नहीं, बट आई फील कि देखो हम आ गए यहां पे, बट नाउ वी कांट गो बैक एंड वर्क देयर बिकॉज दे आर ग्रेट. हैट्स ऑफ टू देम. तो फिर यही चोफू कोफू और यामानाशी या टोक्यो. बहुत मुश्किल है वहां जाके कंपीट करना. मेरा देश महान बोलते हैं ना, एक्चुअली में मेरा देश महान है, हम उसके लायक नहीं रहे. बाहर वाले लोगों को ना अपने देश की वैल्यू आई थिंक अब ज्यादा पता है, ज्यादा पता है, ज्यादा पता है. ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू. माय गॉड, आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स. कम ऑन, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, देयर इज मोर टू गो. इट इज जस्ट द बिगनिंग. Never say bye bye. It's always see you till we meet again. Definitely, बहुत कुछ बाकी है. Pictures तो अभी शुरू है, trailer दिखा है. मेरी wife और मेरी जो शादी की कहानी है ना, बहुत interesting. मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो मेरी wife मेरी पिटाई कर देगी. उसके ऊपर picture भी बन सकती है. क्या है कि she's a Punjabi, I'm a Baniya. Although I used to live in India, I used to live in Kolkata, so I never knew that I was a Baniya or an Agarwal. ये जो होता है ना, ये इंडिया में बोला जाता है तुम क्या हो क्या नहीं हो, क्योंकि I used to live in Kolkata, so for me, हमको पता ही नहीं था कि मैं कौन सी कास्ट में हूँ या कौन से क्या हूँ, मेरे को एक्चुअली नहीं पता था. आई गॉट टू नो कि मैं बनिया हूँ या अगरवाल हूँ या जो भी, सब पता चला when I had to go on my grandfather's death. वहां पे पापा नहीं पहुंच पाए, आई रीच देयर अर्लियर सो दे कुड नॉट वेट फॉर द क्रीमेशन, सो आई डिड ऑल द क्रिया. तब मुझे पता चला कि मैं अग्रवाल हूं. मुझे यही नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मुझे ये पता था कि मैं इंडियन हूं. मुझे ये कभी नहीं पता था कि मैं कौन सी कास्ट से हूं, कौन सी क्रीड से हूं या कौन से क्या नाम है. कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कौन क्या होता है. तो इसलिए बाद में मुझे पता था कि ऑब्वियसली मैं बनिया हूं. तो नॉर्मली पंजाबी और बनिया मीन्स लव मैरिज, इसके अलावा तो कोई नहीं सोच सकता. तो क्या हुआ कि मेरी वाइफ का और मेरा जब वी मेट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड कोलकाता में, इट इज अ बेसिकली नो इन मेरठ, आई एम फ्रॉम मेरठ बेसिकली, सो शी इज आल्सो फ्रॉम मेरठ, बोथ ऑफ अस आर बोर्न इन मेरठ, सो वी आर कॉमन फ्रेंड्स. सो माय फैमिली वाज, इट इज अ कंप्लीटली अरेंज्ड मैरिज. इट स्टार्टेड ऑफ एज एन अरेंज्ड मैरिज. देखा इसमें ट्विस्ट लगा दिया थोड़ा सा. तो क्या है कि हम गए ना वहां पे मिलने, सो ऑब्वियसली कुछ रीजन है, शी नेवर वॉन्टेड टू गो, शी वॉज वेरी यंग, शी इज 7 ईयर्स यंगर टू मी. So she always calls me. आप तो बहुत यंग दिख रहे हैं. I'm 53. I'm going to be 53 in July. आपको एज मैंने पूछा नहीं था. कोई बात नहीं. You can ask. You never ask a man his salary, but you can always ask his age. But you never ask the age of a woman. You can ask her salary. तो क्या हुआ ना कि उसमें क्या हुआ कि एक completely highly arranged marriage. तो we got to know from a common friend. So when we met there, my wife was I think 20 or 21 when we met her for the first time. Nobody wants to get married at 20-21 now. So initially main jab mila to uske baad she came out to meet me. And normally kya hota hai,
एक एक इंडियन टिपिकल क्या होता है, ट्रे में चाय लेके आ रहा है कि नहीं, हाँ. है ना, इंडियन ड्रेस पहन के. तो जब वो कमरे से बाहर निकली ना, शी वॉज वेयरिंग अ स्पेगेटी टॉप एंड जीन्स. तो आई नेवर थॉट दैट शी इज द गर्ल. सो आके बाहर के बात करने लगी, तो फिर उसके मम्मी पापा ने बोला कि ये लड़की है. मैंने फिर बोला चाचा ओके ओके यू आर द गर्ल. सो देन इट वाज आई थिंक काइंड ऑफ अ लव एट फर्स्ट साइट और लव एज फर्स्ट नेम. व्हेन आई हर्ड हर नेम फॉर द फर्स्ट आई डोंट नो व्हाई आई हैड दिस थिंग इन माय बैक ऑफ माय माइंड कि आइदर द नेम ऑफ माय वाइफ और नेम ऑफ माय डॉटर विल बी निकिता. दिस इज व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल. सो व्हेन आई सॉ हर एंड I found out that her name is Nikita. I said, "Oh my God, ये कैसे हो सकता है? It's not possible." And I didn't see any other. नाम सुनके ही प्यार हो गया. नाम क्या, उससे पहले ही हो गया था. उससे पहले उसकी मम्मी को देखा. मम्मी is also very beautiful. मम्मी को देख के लड़की से प्यार हो गया था मेरे को. तो मैंने बोला जिसकी मम्मी इतनी सुंदर होगी तो बेटी तो सुंदर होनी थी. तो ये वीडियो मम्मी तक जाएगी. मम्मी को पता है. First day when his father, her father is in the, I was in the army. He retired as a brigadier. So they came to see me before I met her. So they came to see me in my house in Meerut, and when बहुत interesting conversation, it was very informal because वो army background, हम लोग भी कलकत्ता में पढ़े पढ़े हैं, तो इसलिए very informal, not that traditional बात बात होना कुछ नहीं था. So when they were leave, said मुगैम वो खुश हुआ. So that was kind of an informal atmosphere. So I thought, अच्छा वो मेरे को देख के खुश हुआ, किस लिए खुश हुआ, समझ में नहीं आया मेरे को एक्चुअली. शादी पक्की. नहीं तो उसके बाद क्या हुआ ना, तो जब नेक्स्ट डे में हम लोग मिले, उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर हाउस सेइंग कि शादी नहीं हो सकती. द गर्ल डजंट वांट टू इवन गेट मैरिड. फॉरगेट अबाउट यू, शी डजंट वांट टू गेट मैरिड. शी सेज नो, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड. देन आई केम बैक होम. आई सेड ओके, कांट हेल्प इट, यू नो, कांट हेल्प इट. देन माय फादर आस्क्ड मी, डू यू रियली लाइक द गर्ल? आई सेड यस, व्हाई नॉट, या ऑब्वियसली. So he said, then arrange नहीं हुआ तो क्या हुआ, love कर लो. Then I became friends with her. Then I started talking to her. So your father is the man. Yeah, I used to call her. I came back to Japan. Then I used to make international calls, and I spent my entire salary of a year on phone calls. मेरा पूरा एक साल का सैलरी जो था ना, पूरा उस समय इंटरनेशनल कॉल यूज टू बी 250 एन अ मिनट. इट वॉज क्रेजीली एक्सपेंसिव. 10 मिनट बात किया मतलब 2500 एन, एक घंटा बात किया 25000 एन. मेरा पूरा एक साल का सैलरी फोन में निकल गया. फिर उसके बाद देन आई कुछ ओल्डर, आई स्पोक टू हर एंड देन फाइनली शी सेड यस टू मी. वाह, लुक एट द स्माइल ऑन माय फेस. लड़की पटा ले. That is all we got. Oh, wonderful story. Yes. Many youngster will be very much inspired. So if you never give up. Never give up. अगर अरेंज नहीं है तो लव कर लो. अरेंज नहीं हो रहा तो लव कर लो. वाह, सिंपल है. उसमें क्या है, मैं देखने में कोई बुरा तो नहीं हूँ, इतना बुरा तो नहीं हूँ, एकदम नहीं. मैं कमा भी ठीक ठाक ही रहा हूँ. मे बी नॉट अ वेरी वेरी रिच पर्सन, बट आई वाज टू वर्क, सो आई वाज ओके डिसेंट. आई कैन टेक केयर ऑफ माई वाइफ. सो वाई से नो. It was kind of a thing that no was, I could not take it maybe very, you know, sportingly or whatever I said it. But I liked the moment I saw her. Very beautiful revenge it was. It is not a revenge. It is kind of a twist. And now we are happily married for 24 years. Wow. Very, very happy. Very happy to hear that. Yeah. So I'm at the Kapil Ji's ghar. Kapil Ji ke ghar mein hoon main. और बहुत अच्छा लगा. सबके लिए हम ला रहे हैं द सेकेंड एपिसोड. इंतजार कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ओमोशिरोई, मतलब मुझे भी जापनीज ही आने लगे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा. सो फ्रॉम टोक्यो, फ्रॉम जापान, नुपुर तिवारी, भारत इन जापान.